नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहां पर फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा और ये वन दरोगा सीरीज का पार्ट 5 है। दोस्तों यहां पर वन दरोगा के लगातार वीडियोज आ रही हैं और वन दरोगा का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास थर्ड यूनिट होगी उसका जो पहला टॉपिक है मोशन, तो आज हम मोशन के रिलेटिव ही मोशन गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवा के आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि SI पद्धति में त्वरण का मात्रक है, तो जो यूनिट है एक्सेलरेशन की वो SI पद्धति बोले तो MKS पद्धति में क्या इसका मात्रक है। MKS में क्या होता है, मीटर होता है, कैसे आपका किलोग्राम हो गया और सेकंड एस से सेकंड हो गया, टाइम का मात्रक है सेकंड, तो एक्सेलरेशन का होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, A=V/T, टाइम पर यूनिट क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज ऑफ रेट ऑफ जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास एक्सेलरेशन होती है। तो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम हो गया तो फिर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और बट्टे आपके पास सेकंड हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ चीज़ें पहले वीडियो से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल बता दें कि सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस आती है। डिस्टेंस क्या होती है, जो एक्चुअल लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की जाती है तो वो आपकी डिस्टेंस होती है। एक्चुअल में कितनी लंबाई उसने तय की तो वो आपके पास दूरी होती है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो सबसे छोटी लंबाई होती है। ठीक है, तो अगर आप क्या है कोई जो स्ट्रेट लाइन में अगर दो पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई होगी वही शॉर्टेस्ट लंबाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई क्या है इधर से आपके पास इधर है रास्ता आपका किसी भी तरीके से है तो जो उन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा सीधी लंबाई होगी वही आपके पास विस्थापन हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास चाल आती है, स्पीड आती है, कि एकांक समय में तय की गई दूरी, जो आपके पास क्या है डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर होती है वो आपके पास स्पीड हो जाती है। और वेलोसिटी की अगर बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी में केवल एक ही अंतर है, दोनों क्वांटिटी क्या है सेम है लेकिन आपके पास डायरेक्शन का अंतर है। तो वेलोसिटी एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो वेलोसिटी क्या है, देखो स्पीड आई डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्टेंस अपने आप में क्या है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी आती है आपके पास कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तो विस्थापन बोले तो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस विस्थापन क्या है, एकांक समय में तय किया वेग आपके पास एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपके पास हो गया आगे ये वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन त्वरण जो आता है वो वेलोसिटी से आता है। तो वेलोसिटी अगर आपके पास क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो त्वरण भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम में जो चेंज हो जाएगा वो आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी बोले तो मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा जो इक्वेशन है गति के मोशन के जो इक्वेशन है 3 इक्वेशन है, पहले आपके पास B=U+AT, इसमें वेलोसिटी जो बी है वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, यू आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन है और टी आपके पास टाइम हो गया। सेकंड है S=UT+½AT², यू इसमें क्या है इनिशियल है, टी टाइम हो गया, एस आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट है। और थर्ड जो आपके पास इक्वेशन है V²=U²+2S। दोस्तों इसके अलावा इसमें कुछ ग्राफ आते हैं कि अगर आपके पास दो तीन टाइप के इसमें ग्राफ है, एक आपके पास होता है XT ग्राफ बोले तो पोजिशन और टाइम ग्राफ। पोजिशन टाइम ग्राफ में अगर आपके पास क्या है कोई लाइन है तो उसकी स्लोप जो होगी, जो ढाल होगी वो वेलोसिटी को डिफाइन करेगी, वो वेलोसिटी के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, अगर यही चीज़ आपके पास क्या आती है, अगर आपके पास VT ग्राफ है, V और T ग्राफ है अर्थात वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, तो उसकी स्लोप आपके पास एक्सेलरेशन दिखाएगी। ठीक है, जैसे इस प्रकार है कि X=VT तो V आपके पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होता है A=B/T तो ये क्या हो जाएगी एक इसकी ढाल हो जाएगी, तो इसका स्लोप आपके पास एक्सेलरेशन को दिखाएगा। लेकिन अगर आपके पास VT ग्राफ है और VT ग्राफ का जो एरिया कवर होगा इस ग्राफ का, मान लीजिए आपके इस तरह से एक यहाँ पर ट्रायंगल बन गया, तो इस ग्राफ के द्वारा जो एरिया कवर होगा ये आपको दिखाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट X=VT। तो यहाँ पर क्या होगा वेलोसिटी और टाइम का यहाँ पर क्या हो रहा है इंटू हो जा रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम का जब इंटू हो जा रहा है तो VT ग्राफ से
जो एरिया कवर होगा वो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, और अगर एक्सटी ग्राफ है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी दिखाएगा। और ठीक है, तो ये दो चीज़, दो मेन ग्राफ आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर टू है कि दूरी परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है आपकी, या चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस, तो ये आपके पास कहलाती है। अभी यहाँ पर बात आ रही थी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम अर्थात एक्स बाई टी, तो एक्स बाई टी क्या हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे निकलने वाली क्वांटिटी भी स्केलर होगी, और ये आपके पास हो जाती है बी, बोले तो स्पीड हो जाती है, तो ये स्पीड हो जाएगी, चाल हो जाएगी, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी अपने आप में इस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी अर्थात त्वरण, तो इसका हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। ठीक है, और बी टी ग्राफ का जो स्लोप भी होगा वो भी आपके पास त्वरण होगा, अगर ये आपके पास बी और टी ग्राफ है तो बी टी ग्राफ का स्लोप भी त्वरण हो जाएगा, इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर चार है कि एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करता है, एक पूरे चक्कर में कण का विस्थापन होगा, तो बात क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आर त्रिज्या का एक सर्कुलर पाथ है, एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एक आर त्रिज्या का एक सर्कुलर पाथ है, और उसमें क्या कर रहा, एक कंप्लीट साइकिल कर रहा, तो कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो माना उसने शुरू यहाँ से किया और जब कंप्लीट साइकिल करेगा तो पहुँचेगा यहीं पर, तो इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहीं से वहीं पहुँचा है वो, तो शून्य हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि एक कण आधी दूरी V1 चाल से तथा शेष आधी दूरी V2 चाल से, मतलब पहले V1 स्पीड से वो क्या है हाफ डिस्टेंस तय करता है, और उसके बाद V2 स्पीड से सेकंड डिस्टेंस तय करता है, आधी हाफ जो बचती है, तो कंप्लीट जर्नी के टाइम पे इसकी जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, तो मान लेते हैं आप कि आधी दूरी क्या है x डिस्टेंस इसने B1 स्पीड से तय की, और x अगली जो डिस्टेंस है इसने B2 स्पीड से तय की, अब दोनों स्पीड अलग अलग है तो इसलिए टाइम भी अलग अलग लिया जाएगा यहाँ पर, तो इसका हम टाइम मान लेते हैं कि टाइम इसने मान लिया पहले में T1 और दूसरे में आपने T2 टाइम ले लिया, तो दो चीज़ें हो गई, तो आप क्या लेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी होगी, तो एवरेज जो स्पीड होगी, तो स्पीड आपके पास हो जाएगी कि टोटल डिस्टेंस इतने तय कितनी की, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, हाफ डिस्टेंस प्लस हाफ डिस्टेंस अर्थात एक्स प्लस एक्स 2x, और टाइम, तो टाइम पहले में T1 लिया और दूसरे में आपने T2 टाइम लिया। ठीक है, तो आप देख लीजिए x इक्वल टू आपके पास होता है BT। ठीक है, तो T1 टाइम क्या हो जाएगा, x इक्वल टू V1 इंटू T1 हो जाएगा, क्योंकि V1 स्पीड से T1 टाइम में तय हो रहा है, तो T1 हो जाएगा x बटे V1 और T2 हो जाएगा x बाई V2, तो ये हो जाएगा आपके पास T1 की जगह आप ले लेंगे x बाई V1 ले लेंगे और T2 की जगह ले लेंगे x बाई V2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन, 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो ये इसकी एवरेज जो आपके पास क्या है स्पीड हो जाएगी, ऐसा नहीं हो कि V1 प्लस V2 का आपने एवरेज कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को कहा जाता है, जो चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है, कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज ऑफ रेट है। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस से स्पीड आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा वेलोसिटी आएगी, क्योंकि दोनों ही क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि निम्न में से सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस है, तो देखो डिस्टेंस के लिए आप दूरी तय कर रहे हैं, आप चले लेकिन कहाँ चले, किस डायरेक्शन पर चले, इसकी कोई ज्ञान नहीं इसमें। स्पीड देखो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में हो जाती है स्पीड। ठीक है, मास, तो मास अपने आप में क्या है, द्रव्यमान को कितने किलोग्राम का, तो उसका डायरेक्शन कोई मतलब नहीं, अब बचता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर एट कि निम्न में से अदिश राशि अर्थात स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस की अभी हमने ऊपर बात की, तो वेलोसिटी हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपके पास वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपके पास एक्सेलरेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती, तो वस्तु अगर आपके पास क्या है कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या करा, उसके द्वारा जो तय की गई जो डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस आपने तय की, वो प्रोपोर्शनली है टी के, तो एक्स इक्वल टू आपके पास होता है BT, तो इसका मतलब है कि बी इसका कांस्टेंट हो जाएगा, जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड से गति हो रही होगी, अर्थात बी ऑप्शन सही है, मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, या आप बोल सकते हैं कि चाल अचर है। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अब आपके पास क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है,
टाइम के स्क्वायर के, अर्थात एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं गति के तीन समीकरण आपने पढ़ी, तो दूसरी समीकरण जो आपके पास थी एस इजक्ल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें क्या हो रहा है कि ए टी स्क्वायर जो है एस प्रोपोर्शनल टू हाफ ए टी स्क्वायर, या एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है तो एस बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ए है वो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि जो आपके पास कॉन्स्टेंट ए हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि अचर त्वरण से ये गति कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी गतिमान पिंड की दूरी ग्राफ, दूरी समय ग्राफ की ढाल से पता चलता है, अर्थात यहाँ पर एक्स टी ग्राफ से पता चल रहा है, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है, एक्स और टी ग्राफ का जो स्लोप हो जाएगा वो वेलोसिटी को दिखाएगा, ठीक है। अर्थात इसकी जो टेन थीटा होगी, टेन थीटा क्या हो जाएगी आपके पास ये परपेंडिकुलर और बेस, तो टेन थीटा आपके पास हो जाएगा एक्स बाई टी, अर्थात भी वी आपके पास होता है एक्स बाई टी, तो जो टेन थीटा है या इसकी स्लोप है वो आपके पास हो जाएगी वेलोसिटी, अर्थात ये हो जाएगा स्पीड, हाँ स्पीड या वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, चाल, ठीक है। चाल और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड में केवल कितना डिफरेंस है, केवल डायरेक्शन का है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है, यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि बी टी ग्राफ का जो स्लोप होगा तो वो क्या हो जाएगा ए ए हो जाएगा, ठीक है, तो त्वरण हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा पिंड का त्वरण, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, इसका वेग समय ग्राफ होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो किस तरह से चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, अर्थात ए उसका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एक सीधी रेखा आएगी, तो सीधी रेखा आएगी तो इसका मतलब क्या होगा उसका वेग समय ग्राफ क्या होगा, हमेशा एक सीधी रेखा में होगा, अर्थात क्योंकि उसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट का मतलब है कि एक कांस्टेंट होना, ठीक है, तो एक कांस्टेंट होगा तो एक सीधी रेखा होगा, तो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, या वेग समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष से झुकी सरल रेखा होगी, सी ऑप्शन होगा आपके पास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सीधी लाइन आ रही है जो एक्स की तरफ भी झुकी है और बी वी की तरफ भी, वेलोसिटी की तरफ भी झुक रखी है। अगर वो किसी एक अक्ष की तरफ झुक रखी हो, माना हमने बोल दिया कि भाई बी एक्स टी ग्राफ आपके पास है, एक्स टी ग्राफ अगर वो सीधी एक्स डायरेक्शन की तरफ झुकी है, इसका मतलब आपके पास क्या है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, अगर वी टी है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और टाइम की तरफ झुकी है तो इसका मतलब टाइम कॉन्स्टेंट है, तो टाइम तो कॉन्स्टेंट वैसे हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होगी, अगर ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कैसे कर रहा है, सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड भी आपके पास यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, वस्तु है और उसका एक्सेलरेशन कैसे ज्ञात किया जा सकता है, किस ग्राफ से ज्ञात किया जा सकता है, तो ये पहले भी आ रखा है कि वी टी ग्राफ का जो आपके पास स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, तो वी टी ग्राफ हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कोई वस्तु तब तक त्वरित रहती है जब तक कि कोई वस्तु है वो क्या है, एक्सेलरेटेड कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कब तक करेगी, जब तक उसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो कब तक करेगी कि जब तक उसमें फोर्स लग रहा है, अगर आपने फोर्स हटा दिया तो वस्तु एक्सेलरेट नहीं करेगी, तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ है या फोर्स क्या चीज़ है जो किसी वस्तु को एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है, तो या एक्सेलरेशन कौन सा फैक्टर है जो किसी वस्तु पर फोर्स जनरेट कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो, तो जब तक परिणामी बल शून्य ना हो जाए तब तक क्या है, वस्तु त्वरित होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक वस्तु को हवा में फेंका जाता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, कहाँ की तरफ होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या है एयर में आपने एक्सेलरेट कर दिया तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, एक्सेलरेशन की त्वरण ऊपर होगी नीचे होगी, या ऊपर जाते टाइम ऊपर होगी, क्योंकि जब आप ऊपर फेंकेंगे, आपने एक गेंद है ऊपर फेंकी तो ऊपर जाने के बाद वो फिर क्या है ऊपर से नीचे आएगी इस तरीके से, ठीक है, तो वो बोला है कि ऊपर जाते टाइम ऊपर होगी, नीचे आते टाइम नीचे होगी, या ऊपर के टाइम नीचे होगी, नीचे के टाइम ऊपर होगी, किस टाइप की होगी, तो देखिए आप ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ग्रेविटी आपको हमेशा नीचे खींच रही है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, तो सदैव नीचे होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए और बी आपके पास यहाँ पर ग्राफ दे रखा है कि दो वस्तु हैं, ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, और इनमें से यहाँ पर एक्स टी
ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, और दूरी समय ग्राफ में आपको देखना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो भाई स्पीड का संबंध है स्लोप से, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा कोण बनना होगा, वही आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ए के बीच ये वाला कोण है टाइम के सापेक्ष, और बी के बीच ये वाला कोण है, तो बी वाले के बीच ज़्यादा बड़ा कोण बनना है, तो इसलिए बी की स्पीड हमेशा अधिक होगी, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 क्वेश्चन है कि मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है। यहाँ से आपने क्या है, एक पत्थर छोड़ दिया और 4 सेकंड में यहाँ नीचे पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है एस इजक्ल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो आप क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो अर्थात एस बराबर आप ले लेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो एस इजक्ल टू आप क्या कर देंगे, हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, तो ए कितना है अर्थात ग्रेविटी का या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या जी आपके पास होता है 10, 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले लेते हैं, और टाइम 4 सेकंड है तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा 8 और आपके पास हो जाएगा 80 मीटर आपके पास हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक कण 1 मीटर व्यास का एक अर्धवृत्ताकार पथ तय करता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ है, 1 मीटर डायमीटर का है, ठीक है, अर्थात 1/2 0.5 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, ठीक है, और इसकी जो डायमीटर है 1 m है, तो 1 m इसकी डायमीटर है, तो ये क्या बोला है कि कण द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, तो भाई विस्थापन कितना होगा, विस्थापन क्या होता है, अब देखा इसका जो आपके पास सर्क्यूमफ्रेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 2πr का हाफ अर्थात πr, ठीक है, तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 2 बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये कौन सी है, इस पॉइंट से अर्थात ये वाला पॉइंट इधर जो सीधा जा रहा है, और सीधा बोले तो डायमीटर, और डायमीटर कितना है 1 मीटर, तो सी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्या है व्यास है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, ये गलती से बी आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इसका जवाब आपको खुद देना है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होगा, तो 4 ऑप्शन है कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, ये डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट या ग्रेटर देन, या कोई संबंध नहीं होगा, तो इसका जवाब आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये हो गया आपके पास 20 क्वेश्चन, और 21 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।